नमस्कार, मेरा नाम हरविंदर सिंह गरेवाल है। आई एम ओनर ऑफ गरेवाल पेट शॉप एंड फार्म। हाय फ्रेंड्स, आई हैव अ गुड न्यूज फॉर यू। हम एक नया एक तरीका स्टार्ट किया है कि हम जो वीडियो हमारे बोला शोला पेज पर फेसबुक पेज पर जो वीडियो अपलोड करते हैं, आप अगर उसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करोगे तो हम आपको ₹500 का गिफ्ट वाउचर देंगे अमेजोन। यहाँ पर आप जो मर्जी शॉपिंग कर सकते हो। एवरी मंथली 3 विनर होंगे। जो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेगा उसके चांसेस उतने ही ज़्यादा हैं वो विनर बनने के। सो प्लीज माय फ्रेंड, जो भी हम वीडियो का लिंक हमारे बोला शोला पेज पर डालते हैं FB पर, वो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। ये कॉन्टेस्ट उन्हीं के लिए है जो हमारे सब्सक्राइबर हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल, और साथ में वो बेल वाला ऑप्शन भी प्रेस कीजिए ताकि हम जो भी वीडियो डालें आपको उसका नोटिफिकेशन सेम टाइम मिल जाए। तो ये कॉन्टेस्ट हर महीने दर महीने चलता रहेगा अगर आपका सपोर्ट रहा तो। इसका रिजल्ट हम एवरी लास्ट डेट ऑफ मंथ को हम पब्लिश करेंगे। हाय फ्रेंड्स, आज का टॉपिक है कि जो मोस्टली लंबे बालों वाली ब्रीड जिनके घर में है वो हमेशा ये कहते हैं कि हमें इसका रख रखाव कैसे करें, इसको लंबा कैसे करें, इसको शाइनिंग एंड ग्लो कैसे करें। उसके लिए कुछ टिप्स हैं फ्रेंड्स। फर्स्ट ऑफ ऑल, 90% जो डॉग का हमेशा बॉडी स्ट्रक्चर हो जाए, चाहे वो हेयर हो जाए, चाहे कोई और पार्ट ऑफ बॉडी, वो लगभग पेरेंट्स के ऊपर ही निर्भर करता है 90%। कभी कभी ऐसा हो जाता है कि नाना या दादा की साइड भी चले जाते हैं बच्चे, लेकिन मोस्टली माँ बाप पर ही रहेंगे। तो उसमें अगर मोस्टली मेरे जिस फ्रेंड्स के घर में बालों वाली ब्रीड है, मोस्टली इस सीजन में उसका मोस्ट इम्पॉर्टेंट ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि हेयर फॉल का समय चल रहा है। तो हेयर फॉल के कारण डॉग का मोस्टली कोट चेंज होता है। हमें घबराना नहीं है अगर हेयर फॉल हो रहा है तो, कोट चेंज हो रहा है उसका। डरना हमें तब है जब भगवान ना करे किसी के डॉग के 100 या 1000 बाल जड़ रहे हैं और उसमें 10, 20, 50 ही आ रहे हैं। तब उस सिचुएशन में डॉग की स्किन हमें दिखनी शुरू हो जाएगी, डॉग लगभग गंजा टाइप होना शुरू हो जाएगा। तो वो सिचुएशन किसी के घर में ना आए। उसके अलावा मोस्टली क्या है कि डॉग के 3 तरह के शैम्पू होते हैं। एक होते हैं जो नॉर्मल, एक फ्रेग्रेंस वाला नॉर्मल शैम्पू, एक होता है एंटी टिक्स वाला शैम्पू, एक होता है मेडिकेटेड शैम्पू। मोस्टली डॉग का लॉन्ग हेयर वाला नॉर्मल शैम्पू हम यूज़ कर सकते हैं एंटी टिक्स के इंक्लूडिंग साथ। तो लॉन्ग हेयर वाले के लिए अलग से शैम्पू भी आता है, कुछ कंपनी बनाती है, पिल्स वगैरह बनाती है। तो उसमें कैसे ध्यान रखना चाहिए, मोस्टली जिस मेरे फ्रेंड्स के पास लॉन्ग हेयर वाले ब्रीड है, तो उसके लिए एक मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। जैसे नॉर्मल शैम्पू, राइट, एंटी टिक्स शैम्पू, और भगवान ना करे किसी को ज़रूरत पड़े मेडिकेटेड शैम्पू। तो लॉन्ग ब्रीड में मोस्टली क्या ध्यान रखना पड़ता है, जो लॉन्ग बालों वाली ब्रीड है, तो उसमें आप जब शैम्पू स्टार्ट करते हैं डॉग को नहलाना, तो प्लीज़ पहले नॉर्मल टेम्परेचर वाटर का होना चाहिए। आप डॉग में जब भी शैम्पू लगाओ तो प्लीज़ उसको 10-15 मिनट अच्छी तरह बॉडी के ऊपर अपने फिंगर टिप्स के साथ रब कीजिए आराम से। फिर उसके बाद आप वॉश आउट कर सकते हो वाटर। एंड देन उसके बाद लॉन्ग बालों वाली ब्रीड के लिए कंडीशनर आता है डॉग्स का स्पेशल, वो कंडीशनर यूज़ कीजिए। वो उसके बाद वॉश आउट कीजिए, जस्ट लाइक ए ह्यूमन में होता है, लगभग वही प्रोसेस है। वो वॉश आउट करने के बाद हमेशा डॉग को कॉम जरूर कीजिए। आप जो भी लेना पसंद करो, अकॉर्डिंग टू आपके शहर में अलग अलग साइजेस में अलग अलग तरह के आ जाते हैं। नॉर्मल कॉम, जैसे ये इसका शेड बड़ा है, ये गीले बालों के लिए होता है, और ये बाद में उसको अच्छी तरह प्रॉपर पोजीशन में लाने के लिए, वैसे इसमें भी आता है कि अलग अलग साइज। तो आप उसको कॉम कीजिए अच्छी तरह। एंड आफ्टर दैट अगर आप चाहो फ्रेग्रेंस के लिए, उसमें पाउडर भी आते हैं अलग अलग, एंड परफ्यूम भी आता है डॉग का, अलग अलग कंपनी पाउडर परफ्यूम सब कुछ बनाती है। लेकिन मोस्टली क्या है कि जो लॉन्ग ब्रीड बालों वाली लॉन्ग है, उसका ध्यान रखने के लिए हमें शैम्पू अच्छा, एंड सेकंड कंडीशनर एंड कॉम, ये हफ्ते में 2 बार आप कर सकते हो अच्छी तरह। लेकिन कॉम उसको कंटिन्यूस कीजिए, चाहे दिन में 2 बार कीजिए, इवन अ हेयरफॉल टाइम दिन में 3 टाइम कर सकते हो, और नॉर्मली आप 2 बार कर सकते हो सुबह शाम। जितना आप उसके बालों को कॉम करोगे,
सीधे रखोगे, टेंगल्स नहीं होंगे बालों में और उसके बाल अच्छे ग्लो करेंगे। और मोस्टली एक और प्रोडक्ट है जो काफ़ी हेल्प करता है, इसमें ओमेगा 3 ओमेगा 6 होता है। ये आप, ये एडवांस है और ये एक नॉर्मल में भी आता है। मोस्टली हमें ओमेगा 3 ओमेगा 6 इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर बालों की शाइनिंग, ग्लोसनेस के लिए और स्किन हेल्थी बनाए रखने के लिए। ये हिमालया कंपनी, इंटास कंपनी, अलग अलग कंपनी अलग अलग तरीके के नाम से बनाता है, लेकिन हमें ओमेगा 3 ओमेगा 6 इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट। अगर आपको ये कंपनी मिल रही है आसानी से न्यूट्रीकोड, ये भी आप ले सकते हो पेट केयर का। इसका रिजल्ट भी बहुत बढ़िया है, हेयर फॉल में भी हेल्प करता है और उसके बाद डॉग की बालों की शाइन, स्किन हेल्थी मेंटेन रखने के लिए भी इसका बहुत बड़ा रिजल्ट है। आप ये भी ट्राई कर सकते हो। लेकिन प्लीज माय फ्रेंड्स, मैं बार बार कहूँ, जितना आप अपने बालों को संभालते हो, केयर करते हो, जितना अच्छा शैम्पू, कंडीशनर, कॉम्ब, मोस्टली माई फ्रेंड्स गर्ल्स जो लेडीज हैं घर में, जितना आप अपने बालों का ख्याल रखें, डॉग का अगर उतना ही रखोगे तो डॉग के बाल इंसानों से ज़्यादा सॉफ्ट होते हैं। तो कभी भी इंसानों वाला कोई भी प्रोडक्ट डॉग पर मत यूज़ कीजिए, डॉग का हर एक प्रोडक्ट आता है। तो प्लीज़ माई फ्रेंड्स, बालों को लंबा बनाए रखने के लिए, उसको ग्लोसी सॉफ्टनेस बनाए रखने के लिए ये कुछ टिप्स हैं, ये आपके जरूर काम आएंगे। थैंक यू वेरी मच, मैनी 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 थैंक्स फ्रेंड्स फॉर योर सपोर्ट, फॉर हमें अभी अब यहाँ तक पहुँचाने के लिए। प्लीज़ माई फ्रेंड्स, मेरी एक रिक्वेस्ट है आपसे, अभी भी मुझे दिन में अगर लगभग मुझे 5000 से ज़्यादा मैसेज आता है व्हाट्सएप के ऊपर, इसलिए मैं रिप्लाई करने में लेट हो जाता हूँ। तो प्लीज़ माई फ्रेंड, अभी भी उसमें से मोर देन 70% वही क्वेश्चन होते हैं जिनके ऊपर मैं ऑलरेडी वीडियो कर चुका हूँ। तो प्लीज़ मैं हाथ जोड़कर बेनती करता हूँ, मेरा ऐप है प्ले स्टोर के ऊपर, अभी आईफोन के ऊपर नहीं है। होप सो अगर हम उतने स्ट्रांग फाइनेंशियली हों तो हम वो भी एक दिन अचीव करेंगे, लेकिन प्ले स्टोर के ऊपर मेरा ऐप है। जितने मेरे फ्रेंड्स प्ले एंड्रॉयड फोन यूज़ करते हैं, प्लीज़ वो ऐप डाउनलोड कीजिए। अभी तो सर्चिंग की ऑप्शन भी है, वहाँ सर्च के ऑप्शन के थ्रू आप कोई भी डॉग की मौसम के अकॉर्डिंग, मैं हर टाइम जो अपने फार्म में फील करता हूँ उसकी वीडियो सेम डे एंड वेरी नेक्स्ट डे अपलोड कर देता हूँ, कि भगवान ना करे कोई और भी ये प्रॉब्लम फेस करे। तो प्लीज़ माई फ्रेंड, ये जो मेरा एफर्ट है ये तभी ज़्यादा सक्सेसफुल होगा अगर आप मेरी वीडियो देखोगे और खुद ही उसका इलाज कर सकते हो, या फिर अगर सिचुएशन ज़्यादा वर्स है तो डॉक्टर के पास भी जाओ। मैं ये नहीं कहता कि आप मुझे व्हाट्सअप ना करो, करो प्लीज़, लेकिन सम ऐसा होता है कि 70% वो क्वेश्चन होते हैं जिसके ऊपर वीडियो होता है, और उसमें जो 25% होते हैं वो बेचारे बहुत डिसअपॉइंटेड होते हैं, वो कहते हैं कि मैं जल्दी से रिप्लाई नहीं करता। प्लीज़ माई फ्रेंड्स, अगर आपको मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, नई वीडियो मिल रहा है, तो प्लीज़ आप मुझे मैसेज कर सकते हो, अदरवाइज आप सर्च कीजिए आपकी प्रॉब्लम, प्ले स्टोर के ऊपर हमारे ऐप है बोला शोला, उस पर ही सॉल्व हो जाएगी। और डॉग्स के रिलेटेड कोई भी प्रोडक्ट आपको चाहिए, हमारी www.bolashola.com वेबसाइट है, आपका हर एक सामान डॉग का, चाहे वो सस्ता हो चाहे महंगा हो, आपके घर में होम डिलीवरी हो जाएगा। सो प्लीज़ फ्रेंड्स, सपोर्ट अस, की वॉचिंग माई चैनल, एंड प्लीज़ अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो मुझे व्हाट्सअप कर सकते हो, लेकिन प्लीज़ माई फ्रेंड्स, एक बार पहले मेरा ऐप डाउनलोड कीजिए, उसमें सर्च कीजिए, अगर उसके अकॉर्डिंग मेरा वीडियो नहीं है तो आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हो, नहीं तो कुछ जो 25% है, जो लोग एमरजेंसी जिनको कभी कभी होती है डॉग्स के कुछ पूछना होता है, वो बेचारे तो पूछ ही नहीं पाते क्योंकि वही क्वेश्चन अब बार बार आते रहते हैं जिसके ऊपर ऑलरेडी वीडियो है। तो प्लीज़ मेरा ये निवेदन है, बेनती है, बैग यू माई फ्रेंड, प्लीज़ ऐप डाउनलोड कीजिए और वीडियो वॉच कीजिए। आप आधे डॉक्टर तो घर बैठे ही बन जाओगे, आपको मालूम होगा कि हमें क्या करना है कब। मोस्टली हम पैनिक जब होते हैं तब हमें सोल्यूशन का मालूम नहीं होता, सोल्यूशन हमारे घर में ही होता है। प्लीज़ डोंट पैनिक एंड कीप टेक केयर ऑफ योर हेल्थ एंड कीप लव योर डॉग एंड टेक केयर ऑफ योर डॉग। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स, हैव अ गुड टाइम।